दो सिस्टम है, एक ओपन लूप सिस्टम है, एक क्लोज लूप सिस्टम। ये कल के लेक्चर का हिस्सा है, लेकिन जाहिर है हम रिकॉर्डिंग में रहना भी कर रहे हैं तो इसको नाम भी लगते देंगे। जब ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी तो इट विल ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम का टाइप होगा। असल में एक पुरानी बहस है कि किसी सिस्टम के वो मैनेज करने के लिए कंट्रोल उसके अंदर ही इंस्टॉल कर दिए जाए या कंट्रोल जो है उसके बाहर लगे, कंट्रोल उसके बाहर लगे। मिसाल के तौर पे ये पंखा जो है इसका जो रेगुलेटर है ये अंदर से कंट्रोल नहीं होगा, ये बाहर से कंट्रोल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा सिस्टम है जो ओपन लूप सिस्टम है, इसके लूप में हम एंटर होते हैं और इसको बताते हैं कितनी स्पीड पे चलता है। लेकिन अगर ये पंखा इसके अंदर थर्मोस्टेट होता और ये क्लाइमेट के मुताबिक हवा को तेज और ठंडा कर देता, स्लो और फास्ट करता, हम इसको कहते हैं क्लोज लूप सिस्टम है, इसके अंदर ही कंट्रोल मौजूद है। जैसे हमारे कंडीशनर में एक चीज सिर्फ हमारे अख्तियार में है, वो ये है कि कितने टेम्परेचर पे आपने इसे रखना है, बाकी इसके अंदर अपना ही एक निजाम लगा हुआ है जिसके अंदर थर्मोस्टेट है और वो थर्मोस्टेट खुद बता देता है जब कूलिंग पूरी होती है स्टॉप हो जाता है, फिर कूलिंग डाउन होती है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है, इसका कंट्रोल इसके अंदर ही है। ठीक है, ऐसा ही हमारे आयरन के साथ होता है, स्त्री के साथ होता है, इसका भी जो लूप है वो क्लोज है और इसका कंट्रोल इंटरनल है, इसका कंट्रोल भी इंटरनल है। ठीक है जी, इसका मतलब ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कंट्रोल बाहर से किया जा रहा है और क्लोज लूप वो है जो खुद ब खुद अपने अमाल को या अपने काम को या अपने प्रोसेस को अंदर से ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये लोग एक्सप्लेन क्यों करते हैं, डिस्क्राइब क्यों करते हैं, ये कहते हैं They do not have built-in control. किसकी बात हो रही है? ओपन लूप। इनके अंदर built-in control नहीं होता। इनका control कहां से आता है? Outside से। मैंने मिसाल दी पंखे के रेगुलेटर। जबकि क्लोज लूप क्या है? कहते हैं they do not have built-in controls. Actual output compared with they do have built-in control, actual output is compared with planned output and appropriate corrective action is taken. उसको खुद ही rectify कर देता है। जैसे ये control unit है उसका, ये drive है, ये motor है, ये feedback है, feedback जाता है तो खुद ही उसको control कर देता है, close loop। इसका मतलब है किसी सिस्टम में बिल्ट इन कंट्रोल हो तो हम क्या कहेंगे? शाबाश, किसी सिस्टम में बिल्ट इन कंट्रोल हो तो उसे क्या कहेंगे? उसके अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं, खुद ही अपने आप कंट्रोल करेगा। और ओपन लूप कौन सा होगा? जिसको बाहर से कंट्रोल करेंगे आप। ये दोनों तरह के सिस्टम काम करते हैं। अब बात ये है कि एलिमेंट ऑफ कंट्रोल जो है, देखिए इसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, क्या? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। और इसके अंदर क्या लगा हुआ है? सेंसर, वो मेजर करता है आउटपुट को और डिटरमिन करता है न्यू वैल्यू को, उसका मुआवजना करता है। मुआवजना क्या होता है उर्दू में? कंपैरिजन, उसको कंपेयर करता है, उसको कंपेयर करता है। कंपेयर करके किसके साथ कंपेयर करता है? स्टैंडर्ड के साथ। तो जो सेंसर है वो जो भी आउटपुट आ रही है उसकी वैल्यू को कंपेयर करता है किसके साथ? और उसकी प्री डिटरमिन लिमिट्स के अंदर ले जाकर उसे फिर सेट कर देता है, उसकी प्री डिटरमिन लिमिट्स में ले जाकर उसे सेट कर देता है। उसके अंदर होता है क्या जी? कंपैरेटर। कंपैरेटर वो होता है जो न्यू वैल्यू और स्टैंडर्ड का आपस में क्या करेगा? कंपैरिजन करेगा, यानी कंपैरिजन का यूनिट ये। ये तो हमने डायरेक्ट कह दिया ना कि मुआवजना होगा, लेकिन मुआवजना करेगा कौन? कंपैरिजन करेगा कौन? वो कौन करेगा?
कंपैरेटर। तो सेंसर जो है वो नई वैल्यू लेके आएगा, सेंसर क्या लेके आएगा, नई वैल्यू, न्यू वैल्यू, ठीक है, और स्टैंडर्ड अपनी जगह सेट हुआ होगा, और कंपैरेटर मुआजना करेगा, कंपेयर करेगा, और फिर इफेक्टर क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करके देखेगा इसको ऐड करना है या इसको सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना, ये पॉजिटिव जो होगा या नेगेटिव ऐड करेगा, उससे ये दोबारा फिर एडजस्ट हो जाएगा। इसको मैंने जो मिसाल दी है वो क्रूज कंट्रोल की दी है, किसकी दी है, क्रूज कंट्रोल की, कि आप जब गाड़ी मोटरवे पे ले जाते हैं तो आप कहते हैं कि बस अब आगे हम निकल रहे हैं, पिंडी पट्टियां से आगे निकल रहे हैं, अब ट्रैफिक बहुत कम है, तो इसको 110 पे फिटी कर देते हैं, इसको 120 पे फिट कर देते हैं। वंस यू एडजस्टेड, एक दफा आप एडजस्ट कर देते हैं, फिर गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहती है, अंटिल अनलेस के आप दोबारा उसको अपने हाथ में ना, हाँ उतराई आएगी गाड़ी थोड़ी तेज होगी, उतराई आएगी, सेंसर देखेगा कि मुझे तो उतनी ही मोशन के साथ फास्ट हो रही है, वो नई वैल्यू दे देगा किसको, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेगा, कौन कंपैरेटर कंपेयर करेगा, यार 120 सेट की थी ये तो 121 हो गई है, 122 हो गई है, और वो जो इफेक्टर है वो हल्की सी ब्रेक अप्लाई करके उसको वापस फिर वहीं दे आएगा और 120 पे फिर सेट कर देगा, क्लियर जी। इस तरह ही काम करता रहेगा। इसी तरह आपकी स्त्री है जिसको आप क्या कहते हैं, आयरन, उसमें भी यही होता है, कंपैरेटर क्या करता है, वो कंपेयर करता है कि हीटर ऑन होने से हीट कितनी बड़ी है, जितनी हीट एक दो दर्जे ऊपर गई है उतना उसको नीचे ले आता है, बल्कि स्विच ऑफ करता है, हीट खुद ही नीचे आ जाता है फिर ऑन कर देता है, इस तरह उसको मैनेज करता रहता है, क्लियर बच्चा। जबकि ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, ओपन लूप सिस्टम में कंट्रोल बाहर से अप्लाई हो जाता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इसके अंदर लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर ड्रग इज विथड्रॉन बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी, एंड अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विल बी फोर्स्ड टू स्टॉप द प्रोडक्शन, तो इसका कंट्रोल किसके पास आ गया, गवर्नमेंट के पास, लाइसेंस दे दिया, प्रोडक्शन शुरू हो गई, फार्मूले को प्रूव कर दिया, फार्मूले में रद्दो बदल कर दिया, स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया, लाइसेंस वापस ले लिया, तो इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रन्स अकॉर्डिंग टू प्रीसेट टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर वॉशिंग इज कंप्लीटेड आर नॉट, कि आपने 15 मिनट लगा दिए, अब 15 मिनट में जितने गंदे आपके कपड़े होते हैं तो वो 15 मिनट में तो नहीं होंगे, वो दोबारा ये तो आपकी तरह तो शायद 15 मिनट के 3 चक्कर देने पड़े, पौने घंटे बाद जाए कपड़ों में स्मेल, तो फिर वो क्या है कि उतनी दफा हमें कंट्रोल चलाना पड़ेगा, मशीन खुद नहीं बता देगी कि जनाब काम जो है डन हो गया, मशीन खुद नहीं बताएगी कि काम डन हो गया, तो ये क्या है, ये एग्जांपल किसकी है, ओपन लूप सिस्टम, मशीन खुद से चेक कर ले मैल निकल गई है बेल्ट जा रहे काम हो गए, तो फिर क्या होती, क्लोज लूप होती, लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद देख के कपड़ों को सेट कर देते हैं कि 15 मिनट 5 मिनट 7 मिनट हो चलते, क्लियर बच्चों। अच्छा अब देखिए आगे आ गया क्लोज लूप सिस्टम, उसमें क्या है, होम थर्मोस्टेट, ये जो बाहर के मुल्क होते हैं या जो अमीर लोग होते हैं, आप में तो जाहिर है कोई नहीं है, तो इनके जो घर होते हैं इनके अंदर एयर कंडीशनर लगा होता है सेंट्रली, है ना। अच्छा तो क्या होता है, सेंट्रली एयर कंडीशन होता है और वो थर्मोस्टेट सेट कर देते हैं, क्या सेट कर देते हैं, थर्मोस्टेट, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उतना ठंडा होने के बाद ट्रिप कर जाता है, और ये तो बहुत अमीर लोग होते हैं इनके घरों का हीटर भी क्या होता है, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम लगा होता है, और जब वो हीट लेवल अचीव कर लेता है अपना तो ट्रिप कर जाता है, इस तरह सिस्टम खुद बहुत चलता रहता है, आप खुद ही तय कर देते हैं कि मेरे घर का टेम्परेचर 26 रहना चाहिए या 24 रहना चाहिए, 29 रहना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मुझे स्वेटर वगैरह पहन के फिरना ना पड़े, मैं रिलैक्स अपनी टी शर्ट के साथ फिरता रहूं,
ठीक है ना, तो आप इसको सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आप लोगों को ये बात समझने में मुश्किल हो रही होगी क्योंकि आपने किसी अमीर बंदे का घर देखा भी नहीं होगा। हम कर रहे थे क्या जी कि इसके फिर मिसालें कौन कौन सी हैं? देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर आपकी फ्रिज के साथ लगा हुआ, बिल्ट इन 220 पे रखिएगा उसको, ठीक है जी। सन सीकर सोलर सिस्टम एक खास लेवल से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये नहीं ना करेगा कि पता लगे ऊपर से वोल्टेज 440 आया और सारी चीजें ब्लास्ट हो गई, तो वो बिल्ट इन स्टेबलाइजर है जिसको इन्वर्टर आप कहते हैं, तो ऊपर से तो सर्ज ज्यादा आती है, वो कैपेसिटर उसको कॉल करोगे कैपेसिटर ही कैपेसिटर लगे हुए, वो सारी सर्ज कैपेसिटर सह जाते हैं और आपको सिर्फ देते हैं 210 से 220, और जब कम आती है तो उन्हीं कैपेसिटर से चार्ज को एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि जो ऊपर से करंट आ रहा होता है वो इस तरह आ रहा होता है, और वो क्या कह रहे होते हैं जब ऊपर जाता है तो चार्ज रख लेते हैं और जब लोअर होता है तो चार्ज डाल देते हैं, इस तरह वो उसको स्मूथ कर देते हैं ऐसे, है ना। तो ये है क्या सन सीकर सोलर सिस्टम जिसको आप इन्वर्टर कह देते हैं, छोटा सा डब्बा सा होता है। अच्छा मिजल्स लॉन्च है, मिजल्स लॉन्च है कि आप कहते हैं हमने दक्कन पे मारना है मिसाइल, दक्कन पे ही मारना, दक्कन में क्यों मारना? जो इस खित्ते के मुसलमानों के असल दुश्मन है वो दक्कन में रहते, ये मोदी वही से, ये वो कौम है जिसने हमें सुकून से हुकूमत करने ही दी, और में कहते हैं महल में 5 से 6 दफा दाखिल हो, वो मुहिमात पे रहा इनके खिलाफ, गुरीला जंग के माहिर हैं और लड़ते रहते हैं, और आखिरी जो आपने पानीपत की लड़ाई देखी वो लोग, और आपको पता है हमारी जमजमा तोप जो लगी हुई है माल रोड पे वो सीधी नहीं लगी हुई, थोड़ी सी तिरछी है, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? उसकी अलामती डायरेक्शन दक्कन की तरफ है, चौक इस्तांबुल चौक में जाएंगे ना माल रोड पे लोअर माल बल्कि माल की लास्ट एज के ऊपर सेक्रेटरी के करीब तकरीबन, तो वहां पे एक तोप लगी हुई है अहमद शाह अब्दाली की तोप, उसको जमजमा तोप कहते हैं, धमाका करने वाली हैबतदारी करने वाली तोप, और उसकी अलामती डायरेक्शन दक्कन की तरफ, अलामती डायरेक्शन मकसद कहने का यही है कि एटॉमिक वारहेड लेके जा सकता है और उसका नाम हमने अब्दाली रखा हो, ये सिंबल्स हैं, याद रखना अपनी तारीख को भूल ना जाना भी। अच्छा सो एनीवे तो बात हम कर रहे थे जो मिसाइल लॉन्चर है उसका भी एक तरह डायरेक्शन दे देते हैं, खुद ही जब हमारा मिसाइल जाएगा हवा में तो ज्यादा हवा उसको दाएं बाएं मोड़ेगी, फिर वो रेडिएशन से बाहर निकल जाएगा जमीन की, फिर वो ऊपर से टारगेट लेके आएगा, और जब वो टारगेट लेके सीधा आएगा तो यूं आएगा वर्टिकली, यानी यूं नहीं होता जैसे हवाई जहाज, यूं नहीं होता, ये यूं सीधा जाता है रेडिएशन से बाहर जाता है, ऊपर से यूं सीधा आता है जैसे किसी की ट्रेन में काना ठोक, ठीक है। अच्छा लेकिन जब ये आ रहा होता है तो जमीन तो नीचे मूव कर रही होती है, स्पिन भी कर रही होती है और रिवॉल्व भी कर रही होती है, स्पिन भी और, तो फिर इसको और बताता जरा इधर जरा इधर, उसका ऑटोमेटिक कंट्रोलर सैटेलाइट के जरिए उसको बताता है GPRS एड्रेस के जरिए। इसी तरह ऑटो इंजन, इसका भी हीट लेवल बहुत कंट्रोल होता है, जब गर्म होता है तो एकदम से एक आवाज आती है पंखा से चलता और पानी जो है सर्कुलेट होना, और जो उससे से पानी निकल गया था उसको पंखा ठंडा करना शुरू कर देता है, चूंकि वो फिर दोबारा चाहिए, इस तरह उसको ठंडा करते हैं, ठीक है। और उसको हमने बिल्कुल दिल की तरह डिजाइन किया होता है, जैसे दिल में है ना खून के मुख्तलिफ पाइप है, एक आने के एक जाने के, इस तरह उसके अंदर आने के पानी के रास्ते हो रहे हैं, जाने के हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ऑयल के रास्ते भी, एक तरफ से ऑयल चल रहा है वो पिस्टन्स के ऊपर गिर रहा है, पंप उसमें ऑयल डाल रहा है, और दूसरे उसी हॉल के अंदर से पानी चल रहा है, वो कहते हैं ना बाद में गाड़ी ओवर हीट हो गई है, हीट सिंक खराब हो गए हैं या उसकी पता नहीं कौन सी किट खराब हो गई, तो वो होता ही वो रास्ता मिक्स हो जाता है, ऐसी गाड़ी जो सीज हो जाए इस तरह के हालात हो, आप जाके इंजन ऑयल खोल के देखें उसमें पानी आया होगा रेडिएटर, ऐसा मतलब ये वो नालियां आपस में क्या हो गई मिक्स हो गई, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। इसी तरह बच्चों इन्वर्टर एसी है, इसके अंदर भी कंट्रोल लगा हुआ है, डीसी कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसकी मदद से इसे चलाता है, तो ये सारे इसी तरह से, तो ये है क्लोज लूप सिस्टम, समझ आ गई बात।